41 एज यूजुअल पास्ट परफेक्ट की डिस्कशन होगी पहले, फिर उसके बाद हम चैप्टर 5 के लास्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। हमने शेयर होल्डर के राइट्स के बारे में स्टडी किया कल के लेक्चर में, आज ये सीखेंगे क्या इन राइट्स को वेरी किया जा सकता है, और अगर इन राइट्स को वेरी किया जा सकता है तो वो कैसे किया जा सकता है। ठीक है, वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट्स ये स्टडी करने जा रहे हैं हम आज के लेक्चर में। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, नो क्वेश्चन। चलिए फिर पास्ट परफेक्ट के क्वेश्चन की तरफ चले। नहीं सच में कोई क्वेश्चन नहीं है सर, सब समझ आ गया। कल क्या पढ़ा था हमने? राइट्स ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्लियर है आपको? चलिए ठीक है। तीन क्वेश्चन थे हमारे, पहले वॉल्यूम 1 का एक क्वेश्चन, उसके बाद वॉल्यूम 2 के दो क्वेश्चन थे, और ये तीनों क्वेश्चन हमारे चैप्टर 5 से रिलेट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, ऑर्डिनरी शेयर्स इन ए कंपनी आर डिवाइडेड इनटू 500,000 शेयर्स ऑल ऑफ रुपीज 10 ईच। शेयर कैपिटल कितना हुआ? 5 मिलियन, 50 लाख। कैन इट हैव मोर देन 1 क्लासेस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर? क्या ऑर्डिनरी शेयर के अंदर डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं? Yes, sir. उन डिफरेंट क्लासेस में फर्क किस चीज का हो सकता है? राइट्स का। कौन से वाले? वोटिंग राइट। वोटिंग राइट्स डिफरेंट हो सकते हैं? Yes, क्या सिर्फ वोटिंग राइट्स डिफरेंट हो सकते हैं या कोई और भी? Yes, और कौन कौन से राइट्स होते हैं? Yes, अच्छा मुझे एक राइट मैं आपके सामने रखने लगा हूं, आपने मुझे बताना है कि ये राइट इस केस में डिफरेंट हो सकता है नहीं कि नहीं। राइट ऑफ कन्वर्जन ऑफ शेयर, राइट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ शेयर, राइट ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड, राइट ऑफ कन्वर्जन चेंज हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वो ऑर्डिनरी शेयर्स में नहीं होता, तो प्रेफरेंस शेयर में होता है। जो कन्वर्टिबल शेयर्स होते हैं या वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, और जो रिडीमेबल शेयर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल या रिडीमेबल हो सकते हैं, ऑर्डिनरी शेयर कभी भी कन्वर्टेबल या रिडीमेबल नहीं होता। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखिएगा, जब कभी आपसे ऑर्डिनरी शेयर्स के राइट्स पूछे तो आपने ऑर्डिनरी शेयर के कॉलम में जो लिखे हुए हैं वो राइट्स बताने हैं, और जब आपसे प्रेफरेंस शेयर के राइट्स पूछे प्रेफरेंस वाले, और जब आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, बताइए कौन से राइट्स हैं शेयर होल्डर के जो वेरी हो सकते हैं, स्पेसिफाई नहीं किया ऑर्डिनरी के प्रेफरेंस, क्या दोनों के बता दीजिए। तो बिल्कुल मोर देन वन क्लासेस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर हो सकती हैं। कैन इट हैव डिफरेंट राइट्स फॉर डिफरेंट ऑर्डिनरी शेयर? यस, इट कैन हैव डिफरेंट राइट्स फॉर, हाँ, लेकिन एक क्लास के दूसरी क्लास से राइट्स या फेस वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, लेकिन विद इन द सेम क्लास सारे शेयर्स उनकी फेस वैल्यू और राइट सेम होंगे। ये कंसेप्ट तो क्लियर ना? नेक्स्ट केस स्टडी। ओह, ये थोड़ी मुश्किल सी केस स्टडी लग रही है मुझे। ये की थी कितने स्टूडेंट ने केस स्टडी की है? आधे से ज्यादा क्लास ने केस स्टडी नहीं की, आपकी मर्जी। क्वेश्चन 1, रिक्वायरमेंट में देखते हैं क्या कहें। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 डिस्कस द फॉलोइंग मैटर्स, इंपैक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लान ऑन ऑथोराइज्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्लान पे जो प्लान है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, इसका ऑथोराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल पे क्या इफेक्ट होगा? नहीं, ऑथोराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल तो सेम ही होता है, उसने लगातार क्यों पूछा है? जी आप बताइए, सेम ही होता है, लगा क्यों पूछा है? ऑथोराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल सेम ही होता है? सेम नहीं होता, क्या फर्क होता है? ऑथोराइज्ड मैक्सिमम अमाउंट है विच कैन बी इशूड, और पेड अप एक्चुअल अमाउंट विच हैज बीन इशूड, दोनों में फर्क है, ऑथोराइज्ड और पेड अप में फर्क है। तो वो कौन से कैपिटल थे जो सेम थे भाई? पेड अप और इशूड, शाबाश। और वो कौन सा केस था जिसमें पेड अप और इशूड में भी फर्क आ जाता? कोई नहीं बोलेगा और, कोई नहीं बोलेगा और, कोई नहीं बोलेगा और, जी मेरा भाई बताएगा। पार्टली पेड, शाबाश, पार्टली पेड के केस में इशूड में पेड अप, वरना नॉर्मली सेम होता। तो हमने किस पे बताना है इंपैक्ट? ऑथोराइज्ड एंड पेड अप, ये ध्यान में रखिएगा, ऑथोराइज्ड के ऊपर भी इंपैक्ट बताना है, पेड अप के ऊपर भी, ठीक है? और फिर प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेट प्लान, प्लान सामने आएगा तो पता चलेगा ना क्या प्लान है उसके इफेक्ट। क्रेमसन लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st जुलाई 2008 एज ए पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी विद द फॉलोइंग ऑथोराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल नंबर क्लास ए है, क्लास बी है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल है नंबर ऑफ शेयर्स इन मिलियन,
नंबर ऑफ शेयर इन मिलियन है, शेयर कैपिटल नहीं है, यानी 1200 मिलियन शेयर्स हैं। ये है ऑथोराइज और ये है पेड अप, ये है ऑथोराइज और ये है पेड। अच्छा ये तो मुझे बताया नहीं, इसने ऑर्डिनरी शेयर है कि प्रेफरेंस शेयर है, ना बताए तो ऑर्डिनरी शेयर होता है, क्योंकि कंपनी प्रेफरेंस शेयर के बगैर तो जिंदा रह सकती है, ऑर्डिनरी के बगैर नहीं रह सकती। नॉर्मल कंपनी की बात कर रहा हूँ, हाँ वो गारंटी कर, नॉर्मल कंपनी की बात कर रहा हूँ। पिछले अगर कुछ मेंशन नहीं किया कौन सा शेयर है, ऑर्डिनरी शेयर है, फेस वैल्यू भी नीचे दे दी। अगर हम इसमें ऑथोराइज शेयर कैपिटल कैलकुलेट करना चाहे अमाउंट में, कैसे कर सकते हैं, 1200 × 15 पेड अप शेयर कैपिटल कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करके दिखाए जरा मुझे, ये लिख दीजिएगा साथ, कैलकुलेट करके ना कहीं पर राउंड ऑफ करके, चाहे मिलियन में लिख दें लेकिन साथ साथ लिख दें, कर ले चेक, दिखा जल्दी। ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना हुआ, 18,000 मिलियन, और पेड अप शेयर कैपिटल कितना हुआ, ठीक है। अच्छा यहां पे मैं ना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में उसने ये तो कहा है ऑथोराइज और पेड अप शेयर कैपिटल पे इंपैक्ट बताओ, ये तो बताया ही नहीं कि नंबर ऑफ शेयर्स पे इंपैक्ट बताना है या के अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल पे इंपैक्ट बताना, नंबर ऑफ शेयर्स बताया है ऊपर तो नंबर ऑफ शेयर ही बताएंगे, के फेस वैल्यू दी है तो अमाउंट भी बता सकते हैं, तो दोनों बता देंगे के एक दोनों बता, जिसने ये फैसला किया ना मैं सिर्फ नंबर ऑफ शेयर पे इंपैक्ट बताऊंगा अमाउंट में नहीं बताऊंगा, आधा क्वेश्चन उसका उधर ही फर्क हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया उसने कि मुझे सिर्फ नंबर वाला बताओ या सिर्फ अमाउंट वाला शेयर कैपिटल पे इंपैक्ट बताओ, ठीक है। शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स भी होते हैं, फेस वैल्यू भी होती है, अमाउंट भी होती है, हम सारी कंपोजिशन पे इफेक्ट बता देंगे, ओरिजिनल स्टैंडर्ड लाइन, स्टैंडर्ड लाइन कंपोजिशन वाली लिख दिया करेंगे, इंपैक्ट में सारी चीजें कवर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो इस वक्त हमारा जो क्लास ए का शेयर कैपिटल है इसकी स्टैंडर्ड लाइन बनाए, ऑथोराइज की भी और इशूड की भी, क्लास ए, अभी हम सिर्फ क्लास ए करेंगे। ऑथोराइज क्या है, 1200 शेयर एट द रेट ऑफ 15 इज इक्वल टू, लिखे 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 सफा निकाले, लिखे लिखे जल्दी, ये हो गया क्या क्लास ए का, क्या हो गया क्लास ए का ऑथोराइज। अब क्लास ए का पेड अप शेयर कैपिटल भी लिखे, 600 मिलियन शेयर एट द रेट ऑफ 15 इज इक्वल टू 9000, दोनों लिख लिए ऑथोराइज भी और पेड अप भी। किधर है आपको, किधर किधर लिखा, कोई सफा ले ले तू, उधार मांग ले उनसे, किधर कोई सफा के भाई, मैंने और भी कैलकुलेशन करा दी, मेरा भाई ले निकाल लेना सफा लेना से। अब कह रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन देयर लेटेस्ट मीटिंग हैज प्लान्ड टू अल्टर सीएल शेयर कैपिटल इन द फॉलोइंग मैनर, कैंसल द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ क्लास बी बाय 350 मिलियन शेयर्स, क्लास बी को कैंसल करना है 350 मिलियन शेयर्स। पहले तो बताइए क्या कैंसिलेशन पॉसिबल है, yes, हमने स्टडी किया था कि सिर्फ वो पार्ट कैंसिल कर सकते हैं विच है, तो 800 है, हाँ ठीक है कर सकते हैं, क्योंकि 400 मिलियन नॉट इशूड है, उनमें से 350 करना चाहें कर सकते हैं। तो बताइए इसका ऑथोराइज और पेड अप कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा, पेड अप कैपिटल पे नो इफेक्ट, लिखें पेड अप कैपिटल क्लास नंबर वन कर लें, वन ये वाली हेडिंग, इसमें लिखें नो इफेक्ट ऑन पेड अप कैपिटल, और ऑथोराइज चेंज होके क्या होगा, 800 - 350 इज इक्वल टू 450 मिलियन शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹40 इज इक्वल टू 18,000 आता है, 18,000 ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 18,000। क्लियर, ये कैलकुलेशन समझ आ रही है, सिंपली जो आपने टोटल ऑथोराइज था उसमें से 350 को कैंसिल कर दिया, वो कैंसिल होकर 450 आ गया, 450 को हमने फिर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके कहा ये पड़ा कैपिटल, ये कौन सा कैपिटल है, ऑथोराइज। क्लियर हो गया, ये इंपैक्ट बताना था, इसको स्टैंडर्ड लाइन में लिख दिया ना आपने। चलिए अब सेकंड,
कंसोलिडेट टू शेयर्स ऑफ क्लास ए इनटू वन शेयर्स. कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, लार्जर में कन्वर्ट करना है कि स्मॉलर में. कंसोलिडेशन का मतलब ऐड करना है कि डिवाइड करना है, ठीक है, ऐड करना, ठीक है, ऐड. तो कंसोलिडेट टू शेयर इनटू वन, इसका मतलब है दो शेयर्स लाओ एक शेयर ले जाओ. क्या अनाउंसमेंट है, दो शेयर्स लाओ एक शेयर बड़ा, दो छोटे लाओ एक बड़ा ले जाओ. तो इसमें अब बताइए क्या इसका इफेक्ट सिर्फ ऑथोराइज्ड कैपिटल पे होगा, दोनों पे होगा. पहले ऑथोराइज पे कर देते हैं क्लास ए, ये आ जाएगा ऑथोराइज शेयर कैपिटल 600 मिलियन शेयर ऑफ रुपीज 30 की, क्योंकि दो शेयर जब इकट्ठे होंगे तो नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएंगे, फेस वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ जाएगी. दो 500 के नोट इकट्ठे होकर 1000 का बनता है तो क्या होता है, दो नोट एक बन जाते हैं लेकिन फेस वैल्यू बढ़ जाती है, डबल हो जाती है. तो ऑथोराइज कैपिटल कितना हुआ, 600 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज इज इक्वल टू 18 था. चलो कंपोजिशन तो चेंज होगी ना, क्या ये अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल है, हालांकि टोटल सेम है, कंपोजिशन चेंज होगी तो फिर अल्टरेशन है. दूसरा पेड अप शेयर कैपिटल में क्या होगा, 600 का क्या बन जाएगा, 300 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 30 इज इक्वल टू, ये जी इंपैक्ट आ गया. फिर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें. नेक्स्ट, सब डिवाइड वन शेयर ऑफ क्लास बी इनटू टू शेयर्स हैविंग इक्वल फेस वैल्यू. लेकिन इसमें मेरा सवाल ये है कि जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ही करें इसको, कि जो ऊपर चेंज हो चुका है इसके बाद करें. ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, ये प्लान ओरिजिनल इंफॉर्मेशन पे अप्लाई करें कि यहां पे जो, यानी ये इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है. पक्का कितने स्टूडेंट का ख्याल है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन पे ही प्लान अप्लाई हो, कितनों का ख्याल है कि नहीं ये जो वन के बाद रिवाइज्ड हो गया उसमें, चले शाबाश, ओरिजिनल पे ही अप्लाई. सब डिवाइड वन शेयर ऑफ क्लास बी इनटू टू शेयर्स हैविंग इक्वल फेस वैल्यू. हैविंग इक्वल फेस वैल्यू का मतलब क्या है, जितनी की फेस वैल्यू पुराने शेयर की थी उसे एक के बदले में जो दो नए मिलेंगे उनकी भी फेस वैल्यू वही होगी, उनकी फेस वैल्यू कम होगी, आपस में इक्वल होगी, वरना तो वो शेयर के राइट सेम नहीं ना रहेंगे. पर हमने पढ़ा सब डिवीजन और कंसोलिडेशन के बाद राइट प्रोपोर्शनेट रिड्यूस या इंक्रीज होते हैं, यानी शैल बी अनइफेक्टेड. सब डिवाइड तो ये कितना हो जाएगा, एक मिनट ठहरे, मैं सब डिवाइड का मतलब, सब डिवाइड वन शेयर इसका मतलब है एक शेयर लेके आओ दो ले जाओ, एक लाओ दो. हाँ आगे समझ, 800 है ये हो जाएगा 1600 मिलियन शेयर ऑफ रुपीज 80 20 कैसे, अच्छा सब डिवाइड हो रहा है, ठीक है ठीक है, सब डिवाइड हो रहा है 20, ठीक है सर. और पेड अप शेयर कैपिटल क्या होगा, 800 मिलियन शेयर्स ऑफ 20, शाबाश. ये सिंपल उसने वही कंसेप्ट आपसे मैथमेटिकल फॉर्म में रिवाइज करवाया. यस सर, जो कल हमने पढ़ा था कंसेप्ट, कोई इसमें कैलकुलेशन है ही नहीं. ये काउंटिंग का पेपर होता तो दुनिया का सबसे आसान सवाल होता शायद ये, आपके काउंटिंग के पेपर, ठीक है. लेकिन जैसे शीला की क्लास में बैठते हैं समझ नहीं आती करना क्या, आसान है, क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम डिस्कशन. नेक्स्ट, पर कैन ए कंपनी हैव मोर देन वन क्लास ऑफ शेयर, यस यस, ऑर्डिनरी शेयर में भी रख सकते हैं, वापस आ गए, नहीं यही, अच्छा बी पार्ट भी था उसका, प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेड प्लान. ये प्लान कौन सा है, अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल का, ये प्लान कौन सा है, अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल का. ये तो इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है कि ये भाई भी बता देंगे. भाई बता क्या, कौन सा सवाल, अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल का प्रोसीजर क्या है, ये हाल है आपका, अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल का प्रोसीजर, सबसे पहले इफ ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स ये लाजमी लिखना है.
फिर स्पेशल रेजोल्यूशन, और मुझे बताइए स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी और आर्टिकल्स ये कितने कितने दिनों में जमा, दोनों 15 डेज में। अलग अलग का कंसेप्ट होता ना कोई, तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन 15 और ऑर्डर, लेकिन शेयर कैपिटल के केस में सेम है बराबर, जो कितना है 15 डेज। क्लियर जी? नेक्स्ट कैन कम, यस हो सकता है ठीक, और डिफरेंट क्लासेस के राइट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। व्हाट वेरिएशन पॉसिबल विद रिगार्ड टू द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स, क्या प्रिविलेजेस में चेंज आ सकता है राइट्स एंड प्रिविलेजेस में, क्या वोटिंग राइट्स चेंज हो सकते, यानी जितने भी राइट्स हैं सारे चेंज हो सकते हैं। अब जितने भी राइट्स हैं एक एक करके बता दे, राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू अटेंड मीटिंग, बोनस इशू, राइट इशू, कन्वर्जन, अच्छा ऑर्डिनरी शेयर तो नहीं बोला उसने, हाँ कन्वर्जन का राइट्स और रिडेम्पशन क्यूमुलेशन ऑफ डिविडेंड का, सारे लिख दे, सारे लिख दे, रांगी क्या बात, सारे लिख दे, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया हो ना कि ऑर्डिनरी शेयर की बात कर रहे हैं तो प्रेफरेंस की। तीन नंबर है तो लिस्ट लिखने में कितना टाइम लगेगा आपको, तीन चार मिनट, हाँ लास्ट के लिहाज से लिखना है, लेकिन ये नहीं लिखना था, कहा था कि एक नंबर का एक लफ्ज होगा, मार्क्स के लिहाज से लिखना है। हाँ तो तीन तीन नंबर का मतलब है पांच मिनट तक तो लिखें, और पांच मिनट में दस लाइंस लिख नहीं सकते आप, और ये दस से कम है, और लाइंस भी पूरी पूरी नहीं लिखनी। राइट टू रिसीव डिविडेंड खत्म लाइन, राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग खत्म लाइन, राइट ऑफ बोनस इशू, राइट इशू खत्म लाइन। क्या लिख लेंगे? अब हम चलते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ, चाहे जिसने आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी ना या ज्यादा देर बैठेंगे उस दिन चाय पिलाऊंगा, बिस्किट भी खिलाऊंगा, ऐसे जबरदस्ती थोड़ा ही, जबरदस्ती आज एक दूसरी क्लास का एक्स्ट्रा टाइम है, उनको चाय कॉफी पिलाएंगे, बिस्किट बिस्किट। चलिए बहरहाल, वेरिएशन इन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी कल हमने राइट्स पढ़ लिए क्या हो सकते हैं, आज हम स्टडी कर रहे हैं क्या इन राइट्स में वेरिएशन हो सकती है। राइट्स वेरी हो सकते हैं, स्टडी करेंगे कैसे हो सकते हैं, कौन करेगा, कैसे करेगा, ठीक है, क्यों करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, कहां करेगा, ठीक है, उसके खिलाफ अपील कैसे। नहीं ये सारे कंसेप्ट नहीं, दो कंसेप्ट पढ़ने, हाउ टू, पहला कंसेप्ट, क्या शेयर होल्डर के राइट्स में वेरिएशन हो सकती है, यस yes, हो सकती है। अब मैं रिपीट नहीं कर रहा कि वो राइट्स कौन कौन से हैं, वो भी हो गया रिपीट, कौन कौन से राइट्स हैं, राइट टू सीव डिविडेंड शाबाश, राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग, बोनस, राइट बोनस इशू, राइट इशू, एंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड, कन्वर्जन, रिडेम्पशन, शाबाश, सारे। वेरी कैसे करना है, नंबर वन, क्योंकि राइट्स होते हैं आर्टिकल्स में, तो इसका मतलब राइट्स वेरी करने के लिए आर्टिकल्स को वेरी करना पड़ेगा, और आर्टिकल्स को चेंज करना हो स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट, तो सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन जो आर्टिकल्स की कॉपी किसकी, रजिस्ट्रार को भेजे 30 दिन में। अब ये चूंकि स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी नहीं, आर्टिकल्स आ रहे हैं, आर्टिकल्स वेरी हुए ना, आर्टिकल 30 डेज। क्लियर? यहां पे एक कंसेप्ट है, वो क्या, 3/4 मेजोरिटी ऑफ इफेक्टेड क्लास, थ्री, इसकी भी अप्रूवल चाहिए, इसकी भी अप्रूवल चाहिए। अच्छा ये कंसेप्ट मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं, वैसे तो जबानी गुलामी भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा इसके ऊपर 10 मिनट लगाना चाह रहा हूं। पहला क्वेश्चन मुझे ये बताइए, चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करने की दो ऑप्शन कौन कौन सी है, स्पेशल रेजोल्यूशन और डायरेक्टर। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए होती है, 3/4 और प्रेजेंट, शाबाश। और डायरेक्टर्स के जरिए रिमूव करने के लिए 3/4 ऑफ टोटल, ये टोटल समझ रहे हैं। इसी तरीके से इस कंसेप्ट में भी दोनों चीजें हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन भी है और 3/4 भी है, लेकिन दोनों में वही फर्क है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हुए आपने जो काउंटिंग करनी है, जो रेशियो कैलकुलेट करनी है, प्रेजेंट की करनी है,
और जो 3/4 ऑफ अफेक्टेड क्लास, इसमें टोटल की करते हैं। अच्छा अब सुनिए, अब सुनिए जरा, ये फर्ज कीजिए शेयर, शेयर्स हैं एक कंपनी के, इन शेयर की दो क्लासेस हैं, क्लास ए क्लास बी। अब मैं सिंपल रख रहा हूं एग्जांपल को, अज्यूम करना है 100 शेयर्स हैं, हर शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये है, कंसेप्ट है, कंसेप्ट के कंसेप्ट बिल्ड करते हुए फिगर स्मॉल होनी चाहिए, जब कंसेप्ट टेस्ट करना हो ना तब फिगर कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। क्लास ए में है 80 शेयर्स या 80 शेयर होल्डर, क्लास बी के हैं 20 शेयर होल्डर, ये टोटल मिल मिला के हो गए 100। ये बात समझ आ गई। अब फैसला ये हुआ कि क्लास बी के जो शेयर होल्डर के राइट्स हैं ना, इनको वेरी कर दिया जाए। इनको पहले हमने कहा था कि एक शेयर पे इनको मिलता है एक शेयर पे एक वोट, 1 वोट पर शेयर। इनको चूंकि पैसे इकट्ठे करने थे, उस वक्त कोई और मिल नहीं रहा था, तो ओरिजिनली इनको एक इंसेंटिव दिया गया था कि आपको 10 वोट्स पर शेयर होंगे। फर्ज कीजिए या कोई और राइट, इनको फर डिविडेंड पहले मिलना था, इनको बाद में मिलना था, ऐसे कर ले, इनको डिविडेंड बाद में, इनको डिविडेंड जब इनको लाना था ना, डिविडेंड क्या कर लेट अर्ली फर्स्ट, जब इनसे पैसे इकट्ठे करने थे ना, तो हाँ हमने इनको इंसेंटिव, भाई तेरे को डिविडेंड पहले मिलेगा, हमें मिले ना मिले तो मैं डिविडेंड मिलेगा, उन्होंने कहा ठीक है। अब चूंकि पैसे आ चुके हैं, अब हम इनके राइट्स को वेरी करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं इनके राइट्स को भी हम डिविडेंड सेम कर ले, यानी जब हमें मिले। बताइए पहली चीज, बताइए क्या राइट्स वेरी हुए कि नहीं, पहला सवाल राइट्स वेरी हुए कि नहीं। दूसरा, किस इसमें टेक्निकली देखा जाए ना, तो असल में राइट्स वेरी दोनों क्लासेस के हुए हैं, हाँ उसके बढ़ गए हैं वेरी, लेकिन लॉ वर्ड यूज करता है अफेक्टेड क्लास, अफेक्टेड का एक को फायदा हुआ एक को नुकसान, जिनको नुकसान हुआ उसे लॉ कहता है अफेक्टेड क्लास, अफेक्टेड क्लास का मतलब समझ आ गया। अच्छा अब जनरल मीटिंग कॉल की गई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए, उस जनरल मीटिंग में क्लास बी के शेयर होल्डर ने बाइकॉट कर दिया, अंका हम आते ही नहीं। क्लास ए में 80 थे, 80 में से 50 कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं, नहीं 4 पे डिवाइड होता था, मैं वो ढूंढ रहा हूं 4 पे डिवाइड हो जाए, फ्रैक्शन आए, कैलकुलेशन, 460 शेयर होल्डर्स आए, इन 60 में से 50 ने कहा यस कर दो पास रेजोल्यूशन, 10 ने कहा नहीं भाईजान ये इनके साथ जाती है, नहीं होना चाहिए। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गई? कैसे पास हो गई? प्रेजेंट। अब स्पेशल, अब हमने जब कैलकुलेशन करनी है वो प्रेजेंट की बेस में करनी है, टोटल की बेस में नहीं करनी। मीटिंग में कितने आए थे? 60 में देखा जाएगा 3/4 हुए कि नहीं, 60 का 3/4 बनता है 45। अब चूंकि 45 या उससे ज्यादा ने अप्रूवल दे, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गए। अब अगला मेरा सवाल है, क्या ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गई तो अल्टरेशन फाइनल है? अल्लाह कहता है नहीं, आपको अफेक्टेड क्लास से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मिलता जुलता कंसेप्ट शायद आपको याद हो, हमने एक जगह पढ़ा था, अगर मेमोरेंडम में किसी की लाइबिलिटी बढ़ाए तो जब तक उसकी कंसेंट नहीं होगी लाइबिलिटी नहीं बढ़ा सकते। तो यहां पे राइट्स का, उधर लाइबिलिटी बढ़ाने की बात की थी, कंसेंट जरूरी थी, यहां पे राइट्स कम कर रहे हैं, राइट्स इफेक्ट कर रहे हैं, यहां पे भी लॉ कहता है अप्रूवल होगी। तो इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन भी चाहिए और स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ क्लास बी अफेक्टेड क्लास यानी क्लास बी की भी 3/4 अप्रूवल चाहिए। याद रखें स्पेशल रेजोल्यूशन में सारे शेयर होल्डर्स को कंसीडर किया जाता है जो प्रेजेंट हो, सारे शेयर होल्डर को, ठीक है? जैसे अगर क्लास बी के शेयर होल्डर भी आ जाते हैं मीटिंग में, वो भी कंसीडर होते हैं। इनके लिए ज्यादा बेहतर क्या था असल में क्लास बी के, आ जाते और अगेंस्ट वोट कास्ट करते, एहतजाज करने के बजाय
मीटिंग में आ जाते और उसके अगेंस्ट वोट देते, फिर शायद ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना होती। लेकिन बहरहाल पास हो गए। अब लेकिन चेंज अभी फाइनल नहीं है, अब क्या करना पड़ेगा, 3/4 अफेक्टेड क्लास। तो पहले तो ये ध्यान में रखे अफेक्टेड क्लास कौन सी है, वो क्लास बी है। अब इसके जो 3/4 है इसका मतलब है क्लास बी की अब अलहदा से मीटिंग होगी। ये जो है ना ये अलहदा मीटिंग में पास होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, 3/4 मेजोरिटी ऑफ अफेक्टेड क्लास की अलहदा मीटिंग होती है, क्लास मीटिंग इसे बोलते हैं। उसमें सिर्फ इसी क्लास के शेयर होल्डर आएंगे जो अफेक्टेड है, ये जो हम ख्याल ग्रुप है या जो ये उसकी मीटिंग अलहदा से होगी। उस मीटिंग को कॉल किया, अब नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है, 3/4 मेजोरिटी ऑफ अफेक्टेड क्लास। यहां पे कॉल किया तो 12 मेंबर्स आए, 12 उसमें 8 एबसेंट है। 12 के 12 ने कहा हम अप्रूवल देते हैं कर लो जी। क्या 3/4 मेजोरिटी हो गई? यहां पे आपने जब 3/4 ला कहीं पे लिखता है ना, जहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन लिखे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिखे उसका मतलब है प्रेजेंट। जहां पे 3/4 की बात करें लफज रेजोल्यूशन 3/4 वहां पे टोटल, जैसे डायरेक्टर के केस में भी टोटल डायरेक्टर दिए थे, तो यहां पे टोटल का 3/4 15 बनता है। जब तक 15 मेंबर यस नहीं करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास फाइनल नहीं होगी। ये बात अभी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन 3/4 फैक्टेड क्लास समझ आ गया। आपको एक इसमें फैक्टेड क्लास की टर्म समझा दी, एक ये रीजन बता दी कि क्यों थ्री स्पेशल रेजोल्यूशन के बावजूद भी अफेक्टेड क्लास की अप्रूवल जरूरी है, ठीक है, क्योंकि उनके राइट्स अफेक्टेड। फिर जब ये दोनों काम हो जाए तो आर्टिकल्स को अल्टर करके रजिस्ट्रार को जमा करवा दो 30 डेज में। क्लियर? ये तो हो गया सबके। यहाँ पे आर्टिकल्स को सबमिट करवा रहे हैं स्पेशल रेजोल्यूशन को, पास हुई है बिल्कुल, लेकिन वो अलहदा से 15 दिन में जमा करवा दें। इस प्रोसेस में ज्यादा अहम आर्टिकल्स हैं और उनके लिए 30 डेज का टाइम। अब आगे चलते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए लॉ जो है ना वो इस चीज को जहन में रखता है कि सम टाइम में मेजोरिटी की अप्रूवल होने के बावजूद मिनोरिटी के साथ हो सकता है कोई ज्यादती हो जाए, इसीलिए वो ये मिनोरिटी को हक देता है कि अगर उन्हें लगे कि ये जो अल्ट्रेशन हुई है ये अनफेयर है, ये प्रेजुडिशियल है। क्या है प्रेजुडिशियल? ये सुना पहले प्रेजुडिशियल, गूगल करें क्या मतलब, टैक्स में पढ़ा था, जुडिशियरी नहीं प्रेजुडिशियल, इसका मतलब क्या होता है, अगेंस्ट या हार्मफुल, अगेंस्ट इंटरेस्ट। हाँ प्रेजुडिशियल टू पब्लिक नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी जो हार्मफुल हो अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट हो। अगर ये लगता है कोर्ट को कि इस अल्ट्रेशन में या तो कुछ मटेरियल फैक्ट्स को छुपाया गया था, जो अगर मेंबर्स को पता चलते तो कभी रेजोल्यूशन वोट ना करते, ठीक है, या ये इंटरेस्ट ये जो चेंज है ये हार्मफुल है प्रेजुडिशियल है, तो इन दो सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन आ जाए तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, ठीक है। अब हमें स्टडी करना है कि अगर आर्टिकल्स में अल्ट्रेशन हो गई, वेरिएशन इन राइट्स हो गया, क्या इस वेरिएशन को कैंसिल करवाया जा सकता है, इस वेरिएशन को रिवर्स करवाया जा सकता है? इसका जवाब है यस। तो सबसे पहले सुन ले कौन रिवर्स करवाने जाएगा, 10% ऑफ इफेक्टेड क्लास। कौन कौन रिवर्स करवाने जाएगा? 10% अफेक्टेड क्लास, यानी ये जो क्लास बी है ये रिवर्स करवाने, क्लास सी वाले नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो अफेक्टेड नहीं है, अफेक्टेड ही नहीं है। इन भाईजान को एक लगाई मैंने, ठीक है, ये भाई तो मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं क्योंकि ये अफेक्टेड क्लास है, ये साथ वाला केस नहीं कर सकता, ये साथ दोस्त चाहे क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो, वो चश्मदीद गवाह तो हो सकता है लेकिन मेरे खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता, पार्टी नहीं हो सकता केस में, FIR नहीं, FIR वही मजलूम ही दर्ज करवा, या कुछ केसेस में सरकार खुद मुदई बन जाती है, वो अलग बात है, वरना नॉट। उसी तरह अफेक्टेड क्लास जाएगी 10%, कितने 10 अफेक्टेड क्लास के इतने लोग जो 10% मेंबर है, 10% अकेला है अकेला चला जाए, अगर अकेला नहीं है अकेला 6% शेयर है उसके पास तो किसी को मिला के दोनों चले जाए, तीनों चले जाए, अफेक्टेड क्लास के पास शेयर नहीं होंगे,
हाँ वही 10% ऑफ अफेक्टेड क्लास मेंबर शैल गो टू अपील. कितने तादाद कितनी है 10% और कौन सी क्लास? अच्छा कौन जाएगा पता चल गया 10% ऑफ अफेक्टेड क्लास. किधर जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे. कब जाएंगे? विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन. 30 दिन के बाद नहीं. अच्छा कोर्ट क्या देखेगा फैसला करने से पहले? क्या ये जो अल्टरेशन हुई है इसमें कुछ मटेरियल फैक्ट्स को कंसील किया गया? ठीक है 10% फैक्टेड क्लास कोर्ट को जाएगी 30 दिन में. कोर्ट क्या देखेगा? कोर्ट ये देखेगा कि क्या कुछ मटेरियल फैक्ट्स को कंसील किया गया है. कंसील मतलब छुपाया गया. मटेरियल फैक्ट्स को कंसील, जो अगर पता होते हैं मेंबर्स को पहले दे वुड नॉट हैव पास्ड अ रेजोल्यूशन. कभी रेजोल्यूशन पास ना करते. या क्या ये चेंज हार्मफुल है? क्या था लफ्ज? प्रेजुडिशियल है. अनफेयरली प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स है. अगर है तो कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा कि कैंसिल करो इस अल्टरेशन को और इस ऑर्डर की कॉपी रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी 15 दिन में और ये कोर्ट का ऑर्डर फाइनल होगा. इसके खिलाफ अपील फाइल हो सकती है. ये ना हो रजिस्ट्रार बाद में कमीशन के पास चला जाए, देखे सर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है ठीक है और ये कह रहे हैं कैंसिल कर दें, तो कमीशन कहे ना नहीं कैंसिल करना. किस ऑर्डर माना जाएगा? कोर्ट का ऑर्डर फाइनल होगा जिसकी कॉपी रजिस्ट्रार को सेंड की जाएगी. कितने अरसे में? 15 डेज. ये था हमारा कंसेप्ट. क्लियर हो गया? जरा क्विक रिवीजन करते हैं 2 मिनट में. सबसे पहले आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया? वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट्स. कि क्या शेयर होल्डर के राइट्स को वेरी किया जा सकता है? इसमें टोटल 3 कंसेप्ट है. शेयर होल्डर के राइट्स होते कौन से हैं, उनको वेरी कैसे करना है और वेरिएशन को कैंसिल कैसे करना है. एग्जाम में ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिएगा. राइट्स कौन से हैं, वेरी कैसे होंगे, वेरिएशन को कैंसिल कैसे करना. राइट के कौन से होंगे? वोटिंग राइट्स, राइट टू शेयर, डिविडेंड, राइट टू अटेंड एजीएम, एंटाइटलमेंट, रिडेम्पशन, कन्वर्जन वगैरह वगैरह. वेरी कैसे करना है? 3 स्टेप्स. स्पेशल रेजोल्यूशन, 3/4 मेजोरिटी ऑफ अफेक्टेड क्लास, अल्टर्ड आर्टिकल विद इन 30 डेज. वेरिएशन को कैंसिल करना है क्या करे? 10% ऑफ अफेक्टेड क्लास गो टू कोर्ट विद इन 30 डेज. कोर्ट ऑर्डर पास करेगा किन दो चीजों को सामने रखे? एक क्या चेंज अनफेयरली प्रेजुडाइज टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स था और दूसरा क्या रेजोल्यूशन पास करते हुए कुछ मटेरियल फैक्ट्स छुपाए गए थे, कंसील किए गए थे. ये कैंसिल नहीं है, कंसील है. कंसील किए गए थे जो अगर पहले पता चलते, जो अगर पहले पता चलते रेजोल्यूशन पास ना होती. अगर ऐसा हो कोर्ट क्या करेगा? ऑर्डर पास कर देगा कि रेजोल्यूशन कैंसिल. अगर ऑर्डर पास कर दिया तो फिर कोर्ट का ऑर्डर फाइनल है और उसकी कॉपी 15 डेज में स्टार को भिजवाई जाएगी. क्लियर जी? 10% शेयर होल्डिंग है मेरे भाई, शेयर होल्डिंग 10% अफेक्टेड क्लास के शेयर या मेंबर. वही जिनके पास मेंबर, जिनके पास 10% वोटिंग पावर. मेरे भाई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में हम हमेशा जब परसेंटेज देखते हैं ना तो शेयर्स की बेस पे करते हैं. अगर शेयर कैपिटल ना हो, लिमिटेड बाय गारंटी जैसे होती है, फिर हम नंबर ऑफ मेंबर्स की तरफ बात करते हैं. यहाँ पे 10% से मुराद 10% शेयर्स. जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, अल्टरेशन के ऊपर अमल नहीं होगा, कोर्ट उस वक्त असली ऑर्डर इशू कर देती है कि इसको अभी होल्ड में रखें. और की क्वेश्चन? हाँ, अगर फर्दर शेयर इशू करना है तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन उसके लिए लगा से होगी. अगर कंपनी ये, इनका क्वेश्चन ये है कि सर अगर इस केस में बजाय ये कि क्लास बी के राइट्स को वेरी किया जाए, कंपनी अगर ये फैसला करती है कि क्लास सी एक नई क्लास इशू की जाए, उनको प्रायोरिटी दी जाए, नई क्लास इशू करना है, तो क्या ये वेरिएशन इन राइट्स समझा जाएगा? इसका जवाब है लॉ ने इस सिचुएशन को अलहदा से डिस्कस किया हुआ है कि आपने जब कभी नई क्लास शेयर इशू करनी है ना तो आर्टिकल्स की अल्टरेशन करें स्पेशल रेजोल्यूशन से. ठीक है, इस सूरत में अफेक्टेड क्लास नहीं है कोई.
इसमें कलेक्टिवली सबकी स्पेशल रेजोल्यूशन आ जाएगी अफेक्टेड क्लास, वरना तो इस सूरत में हर एग्जिस्टिंग क्लास ही अफेक्टेड है। इस सिचुएशन में सिर्फ बी नहीं, फिर तो ए भी है। ये तो जो ला ने कंसेप्ट लैदा किसी का डिस्कस कर दिया ना, उसको हम उसे ये वाला कंसेप्ट ला ने डिस्कस कर दिया है इसमें अल्टरेशन इन कैपिटल में। तो ये अल्टरेशन इन कैपिटल समझी जाएगी वेरिएशन इन राइट्स में। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होती तो फिर चेंज नहीं होगा, फिर चेंज नहीं होगा। और कोई क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।